पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद में सुयोजित विकास को लेकर कार्य किया जा रहा है, वहीं अतिक्रमण को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार जनमानस को आगाह भी किया जा रहा है कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा निर्माण ना करे जिससे उनको नुकसान होता हो। लेकिन जो लोग अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना पागबड़ा के रतनपुर कला डीगरपुर रोड पर लगभग 25 से 30 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण के दो बुलडोजर फूंक गर्जे, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन टीम की अगुवाई कर रहे अवर अभियंता गिरीश पांडे, अवर अभियंता तेजवीर सिंह, अवर अभियंता आरपी यादव, अवर अभियंता इलियास खान के दिशा निर्देशन में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इस दौरान प्रवर्तन टीम द्वारा जनमानस को आगाह किया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है और जनमानस को भी चेतावनी दी जा रही है कि भवन निर्माण करने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा ले। अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज चल रही है। प्रवर्तन टीम द्वारा यहाँ पर प्लॉटिंग की हुई थी, उन्होंने पहले भी प्लॉटिंग की हुई थी, जिसको आज हमारी प्रवर्तन टीम द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया जाने की कार्रवाई की गई है। मैं उनसे बार बार यही अपील करना चाहूँगी कि आपको कोई भी निर्माण करना है या कहीं पर कोई लेआउट पास कराना है, चाहे वो आवासीय हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर अन्य कोई उपयोग का हो, तो प्राधिकरण से नियमानुसार लेआउट पास कराकर ही आप निर्माण कार्य कराइए और मुरादाबाद के सुनियोजित विकास में अपनी भागीदारी निभाइए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।